हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल जहांगीरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं जानते हैं, मेरे ख्याल से शायद इस सेटिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल जहांगीरी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद एक घंटी बना हुआ आएगा, उसे भी दबा दें ताकि आपकी मदद से हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें। तो चलिए व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। जैसे व्हाट्सएप को ओपन करेंगे ना, तो आपके व्हाट्सएप की जितनी भी नंबर होगी, जिससे आपने चैट किया है, जितनी ग्रुप होगी, सारी यहाँ पे आपके व्हाट्सएप में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं किसी एक को सिलेक्ट करके रखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टैग डीजे को सिलेक्ट करके रखता हूँ। टैग डीजे को जैसे मैंने सिलेक्ट करके रखा, आप किसी को भी सिलेक्ट करके रखेंगे तो ऊपर इस तरीके से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे जो पिन बना हुआ है ना, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए, टैग डीजे जो है टॉप पे आ गया, साइड में पिन बना हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैंने इसे पिन कर दिया ना, अब मुझे कोई भी मैसेज करेगा या किसी ग्रुप से मैसेज आएगा या कोई भी मुझे मैसेज करेगा तो इसके नीचे ही आएगा। जितनी भी मैसेज आएगी सब इसके नीचे रहेगी, टैग डीजे जो है टॉप पर रहेगा, चाहे इसमें मैसेज आए चाहे ना आए, ये जो है टॉप पर रहेगा। इस तरीके से अगर मैं माय को पिन कर देता हूँ तो माय जो है टॉप पर आ जाएगा, टैग डीजे सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। देखिए, माय टॉप पर आ गया। अब कोई भी मैसेज करेगा तो ये दोनों के नीचे आएगा। तो इसका फ़ायदा मुझे क्या खास लगा, देखिए, अक्सर हमारे कॉन्टैक्ट में, हमारे व्हाट्सएप में बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो मैसेज आते रहते हैं और ऐसे में हम किसी जो है अपने पर्सनल से चैट वगैरह करते रहते हैं तो जो नए नए मैसेज आते हैं वो ऊपर हो जाते हैं और उनके नंबर जो है या ग्रुप जो है नीचे हो जाते हैं, तो हमें बार बार जो है सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो अगर आप किसी को जो है पर्सनल इस तरीके से पिन करके रख देंगे तो वो टॉप पर रहेगा और आप बहुत ही आसानी से जो है चैट वगैरह, अपनी पर्सनल काम यहाँ से कर सकते। तो इसका मुझे यही खास लगा। अगर आप इसे हटाना चाहते तो फिर से सिलेक्ट करके रखिए, उसके बाद इस तरीके से अनपिन कर दीजिए। तो ये छोटी सी सेटिंग थी जो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना और बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, नीचे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।